सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है बैंक या क्रेडिट यूनियन जैसे एनबीएफ नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिस तरीके से कस्टमर बैंक में सेविंग अकाउंट खुलाता है या एफडी कराता है उसी तरह का यह भी रोल प्ले करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में बेनिफिट यह है कि रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है व्हेन कंपेयर्ड विद सेविंग अकाउंट्स तो चलिए देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर्ड बाई बैंक और क्रेडिट यूनियन जो मैंने भी आपको बताया दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू डिपोजिट मनी फॉर अ फिक्स पीरियड अर्निंग अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन सेविंग अकाउंट सीडीज आर सी डीज से हम शॉर्ट में इसको डिनोट करते हैं आर कंसिडर्ड अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट एंड आर कॉमनली यूज फॉर अ शॉर्ट मीडियम टर्म से गोल्ड देखिए क्या हुआ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है एक सोर्स ऑफ फाइनेंस बना कंपनी या के लिए बैंक क्या कर रहा है कि पैसा जो है हमसे ले रहा है बैंक के पास फंड आएगा वो फंड कहां जाएगा बैंक जो अब आगे लोन देगा किसी को तो एक तरह से ये सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाता है तो यहां पे होता क्या है जो भी बैंक या क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोग फंड लेते हैं और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद सेविंग अकाउंट्स तो लोग यहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं रिस्क कम होता है रिटर्न ज्यादा होता है आगे यहाँ पर दिया इसके कुछ फीचर्स समझते हैं क्या है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है आ, क्या बोलते हैं एक सर्टिफिकेट uh, है जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ये एक सर्टिफिकेट है इस सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा है कि इतना पेमेंट इन्होंने किया और इस टाइम पीरियड के बाद आपको रिटर्न मिलेगा मेचोरिटी टाइम पे सो दिस इज एन एक जो हमने कैटलॉग दिया है दिखाया है आपको कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैसे बनता है तो ये एक लाइव uh, एग्जाम्पल था आगे इसके कुछ फीचर्स समझते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के टर्म इसका फीचर क्या है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का ये फिक्स होता है कि इतने टाइम तक आपका पैसा डिपॉजिट रहेगा दैट्स वाई फिक्स टर्म फ्यू मंथ्स सेवरल ईयर कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट इज हायर रेट इंटरेस्ट रेट्स जो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं सेविंग अकाउंट से हाई रेट देते हैं इसलिए लोग ये प्रेफर करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेक्स्ट इज पेनाल्टी फॉर अर्ली विड्रॉल सपोज मैंने एक साल का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लिया बैंक से एक साल के बाद मेच्योरिटी होगी और मुझे फंड मिल जाएगा पहले अगर हम विड्रॉ कर लेते हैं सिक्स मंथ पे उस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का पैसा लेना चाहते हैं अगर हम तो मुझे पेनाल्टी पे करनी होगी वो पेनाल्टी जो आगे का इंटरेस्ट मिलना था हमको वो उस फॉर्म में हमको बैंक को देना पड़ जाएगा दिस इज पेनाल्टी इन केस ऑफ Of money into CD मैंने क्या किया? Bank में कुछ पैसा स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट कर दिया फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप द बैंक ऑफ क्रेडिट यूनियन लॉक्स इन योर फंड फॉर द एग्रीड टर्म बैंक जो है उस पैसे को लॉक कर देगा कि इतने टाइम पीरियड तक आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते फिर एट द एंड ऑफ टर्म यू कैन विदड्रॉ द प्रिंसिपल एंड अक्रूड इंटरेस्ट और रिन्यू द सीडी देखिए सिंपली क्या होगा जब मेच्योरिटी का टाइम आएगा तो वो पैसा और इंटरेस्ट के साथ जो अक्रू हुआ है वो हम ले सकते हैं या फिर उसको फिर से रिन्यू करा सकते कि एक साल और रखना है भाई पैसा सो दीज आर शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट